एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज मी योर ब्रदर वांटी एंड योर वाचिंग माय चैनल 23। सो गाइस, आज हम यहां पर आ चुके हैं नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में, जो कि है इंडिया गेट के पास। ठीक है, सो गाइस, यहां पर हमें अपने देश के अलग अलग राज्यों के रूरल कल्चर की झलकियाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और गाइस बात करी जाए आज के वेदर की, तो आज थोड़ा क्लाउडी वेदर है और थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है दिल्ली के अंदर। और लोकेशन की बात करी जाए तो गाइस ये पड़ता है प्रगति मैदान भैरव रोड न्यू दिल्ली में। ठीक है, सो गाइस चलिए अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या। टिकट की बात करी जाए तो यहाँ पे इंडियंस के लिए फ्री एंट्री है, फॉरनर्स के लिए 300 रुपीज़ की टिकट है। और यहाँ पर अगर आप ऑडियो गाइड लेना चाहते हो तो हिंदी वाले वर्जन में आपको ऑडियो गाइड जो है वो 60 रुपीज़ का मिल जाएगा, और इंग्लिश वाले वर्जन में आपको ऑडियो गाइड जो है वो 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऑडियो गाइड ये नहीं है कि आपके साथ कोई मैनुअली चल रहा है या कोई मैन आपके साथ चल रहा है, ये ऑडियो गाइड गाइस आपको वर्चुअली मिलेगा एंड आपको एक हेडफोन मिलेगा, उसके साथ एक डिवाइस होगा। सो दिस इज़ योर ऑडियो गाइड। ठीक है, तो चलिए गाइस आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर अपने कल्चरल को। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी शुरू होती है ये म्यूज़ियम गैलरी। ठीक है, तो इसके अंदर हम एंट्री करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस बहुत प्यारी प्यारी प्रतिमाएं दिख जाती हैं हमारे रूरल कल्चरल की, एंड गाइस कुछ ट्राइबल कल्चरल की भी है। एंड गेट के अंदर एंट्री करते हमें ये बहुत अच्छी प्रतिमा दिखती है, ये एक गाय दिखा रखी है एंड गाय के ऊपर ये एक आदमी को सवारी करते हुए दिखा रखे हैं। एंड ये थोड़ी आगे चल के गाइस हमको ये दिखता है एक थोड़ा वरांडा टाइप का, जिसमें फूल लगा रखे हैं, बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं देखे गाइस। एंड ये बिल्कुल ओरिजिनल फूल है, ये कोई रेप्लिका नहीं है फूलों की। एंड एक प्लांट भी लगा रखा है। सो देखिए गाइस, अब इस इधर की तरफ चल के हमें मिलता है यहाँ पर लोक और आदिवासी विधि, मतलब फोक एंड ट्राइबल गैलरी। ठीक है, अब इसके अंदर हम एंट्री करते हैं। सो गाइस, एंट्री करते के साथ ही हमें कुछ इस तरीके की प्रतिमाएं दिखती हैं। एंड गाइस ये देखिए, ये कुछ आदिवासी समाज की प्रतिमाएं हैं जो आपके सामने यहाँ पर दिख रही हैं। और देखो कितनी प्यारी प्यारी प्रतिमाएँ हैं यहाँ पर। और ये देखिए गाइस, ये कुछ आदिवासी समाज के लोग दिखा रखे हैं, उनका कल्चर दिखा रखा है। और यहाँ पर भी गाइस इनके बारे में कुछ दिखा रखा है कि क्या क्या है आदिवासी समाज के बारे में। सो यहाँ पर गाइस इनके ये कुछ पेंटिंग्स भी दिखा रखी हैं। देन गाइस यहाँ पे भी इनको कुछ छोटी छोटी मूर्तियों के रूप में, प्रतिमाओं के रूप में इनका कुछ कल्चर दिखा रखा है। गाइस यहाँ पर देखिए, बहुत प्यारे प्यारे मास्क लगा रखे हैं जैसे आदिवासी समाज के होते हैं। तो जी, गैलरी की बात करी जाए तो गैलरी तो भाई एक नंबर की बना रही है, बहुत ज़्यादा मस्त बना रही है। और इसमें काफ़ी अच्छा हमारे जो ट्राइबल कल्चर है उसको दर्शाया गया है, एक एक प्रतिमा दिखाई गई है ट्राइबल कल्चर की। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी मिसिंग हो रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी ट्राइबल कल्चर से रिलेटेड। और हमने शूट भी पूरा ही करा इसको, हमने कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं करी है शूट करने में। सो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको शूट करके दिखाया है। सो गाइस, ये जो खूबसूरत प्रतिमा आप देख रहे हो, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा है। इन्होंने ये दर्शा रखा है जब कालिया नाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी ने तांडव करा था। तो गाइस ये थी हमारी आदिवासी समाज की गैलरी। अब आपको दिखाते हैं थोड़ा आगे और क्या मिलता है हमें। सो गाइस, इस खूबसूरत प्रतिमा का नाम है टाइगर ऑन व्हील, मतलब बाघ पहियों पर। और देखिए कितनी प्यारी प्रतिमा है गाइस, बहुत ज़्यादा प्यारी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो गाइस, ये कुछ ट्राइबल ज्वेलरीज है और देखो कितनी प्यारी प्यारी हैं। सो गाइस, ये है कुछ कॉस्ट्यूम डॉल्स आदिवासी समाज की।
सो गाइज ये है ऑडियो विजुअल रूम और इसके अंदर गाइज आपको एक छोटा सा थिएटर टाइप का मिल जाता है, एक स्क्रीन लगी हुई है और बहुत सारी यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट है, जैसे मूवीज आप देखते हो थिएटर में कुछ उसी टाइप का आपको फील करवाएगा। सो गाइज यहाँ पे हमें टेक्सटाइल गैलरी मिल जाती, मतलब वस्त्र विधि। सो इसके अंदर एंट्री करते के साथ ही गाइज हमें ये वस्त्रों का इतिहास मिल जाता है, पॉज करके पढ़ लेना, मतलब हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन इंडिया, पॉज करके पढ़ लेना, पूरी डिटेल्स पता चल जाएगी आपको इंडियन टेक्सटाइल के बारे में। सो गाइज इस स्क्रीन में इंडिया का मैप बना हुआ है और इंडिया के कोई भी स्टेट के कपड़े आपने देखने हो, बस स्टेट को टच कर दो, वहाँ के टेक्सटाइल के बारे में पूरी हिस्ट्री आपको दिख जाएगी। सो गाइज यहाँ पर कुछ खादी के बारे में बताया गया है कि इन इक्विपमेंट से जो थी वो खादी बनती थी, देखिए हमारे महात्मा गांधी जी बनाते थे, एंड ये देखो अलग अलग कितने सारे इक्विपमेंट्स हैं, मशीनें हैं, तो इससे खादी बना करती थी। वही चरखा भी है हमारे बापू जी का, सो वो भी बता रखा है यहाँ पर। तो भाई जैसे कि हमने आपको अभी ये म्यूजियम गैलरी जो है एक्सप्लोर कराई है, यहाँ पर हमारे देश की अलग अलग कलाकृतियाँ जो है वो सजाई गई हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। तो पीछे का डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी मांगता हूँ, कुछ काम चल रहा है। और गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अंदर जब हम गए थे ना, तो अंदर तो बोलने का कोई सेंस बनता नहीं, क्योंकि अंदर था बिल्कुल म्यूजियम में पिन ड्रॉप साइलेंस। एज अ रीज़न मैंने सिनेमैटिक रखी है एंड पीछे से वॉइस ओवर करी है, ठीक है। एंड अभी तो गाइज खाली म्यूजियम गैलरी हमने एक्सप्लोर करी है, अभी आगे चल के आपको दिखाएंगे कि आगे क्या क्या है, और ये म्यूजियम भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो चलते हैं गाइस, अब आगे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। जा रहे हैं विलेज कॉम्प्लेक्स के अंदर, मतलब ग्रामीण झांकी के अंदर। इसके अंदर गाइस गांवों की ना अलग अलग गांवों की अलग अलग झांकियाँ हैं। तो चलते हैं गाइस, दिखाते हैं आपको। एंड यहाँ से इसकी कुछ एंट्री शुरू होती है, तो गाइस अब यहाँ से एंट्री करते हैं हम। एंड देखो गाइस यहाँ पे ना बिल्कुल आगे ना बिल्कुल वाइब्स आ रही है, जैसे बिल्कुल गाँव में आ चुके हैं, एंड एक ना स्मेल भी चल रही है। और जैसे कि गाइस हम आप लोगों को पता है कि हमारे जो है गाँव से कितने इमोशन जुड़े होते हैं, तो इस वजह से गाइस हम गांव वगैरह जाना पसंद करते हैं। और गाइस देखिए यहाँ पे अलग अलग गांव के अलग अलग हट है। अब यहाँ पे देखो गाइस दिख रही है जम्मू एंड कश्मीर की हट, देखिए। तो मतलब जैसे जम्मू एंड कश्मीर के गांव होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके के होते हैं, देखिए कितने अच्छे आपको दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे गाइस ये हट देखिए, तो दिखाते हैं कि क्या क्या है। देखिए गाइस जैसे ये चक्की रख रही है यहाँ पे, कुछ आटा वाटा पीसने के काम आती है, एंड बिल्कुल जैसे गाँव में होते हैं ना वही बिल्कुल वाइब्स आ रही है यहाँ पर आगे। एंड ये गाइस देखिए कुछ राशन वगैरह रखने के लिए कुछ ये कुछ स्टोरेज होता है, यहाँ पे लोग अपने राशन वगैरह भी रखते हैं। देन गाइस यहाँ पे ये आपको ये इस तरीके की ये चीज़ें मिल जाती हैं गाँव की। पूरा तो गाइस नाम मुझे भी नहीं पता कि इनको क्या बोलते, ये बिल्कुल गाँव की चीज़ें जो हमारे गाँव के भाई लोग हैं ना वो बता सकते हैं। तो गाइस अगर कोई मेरा भाई गाँव से वीडियो देख रहा है ना ये वाली, तो डेफिनेटली कमेंट में बताना कि इनको क्या बोलते हैं। एंड गाइस ये भी देखिए, मतलब इसको इस तरीके से खुलता है ये। एंड गाइस इसके अंदर जो है देख सकते हो आप कैसा है इनका, ये कुछ ये शेप मंदिर की शेप जैसी लग रही है, तो कुछ मंदिर टाइप का ही बना रखा है। सो अच्छा लग रहा है गाइस यहाँ पे आके। एंड गाइस ये लाइट्स वगैरह भी लगा रखी है इन्होंने, जैसे रात में लाइट जलती होंगी यहाँ पे। सो गाइस इस तरीके का ये कुछ जम्मू एंड कश्मीर की हट जो है बना रखी है। इसको ये बैलगाड़ी बोलते थे पुराने ज़माने में जो होता था, और गाँव के लोग जो यूज़ करते थे। अब तो खैर गाइस गाँव जो है वो रहे नहीं गए, अब तो गाइस म्यूजियम के ज़रिए हमें गाँव दिख सकते हैं। सो देखिए गाइस कितना प्यारा है, जैसे हमारे पुराने गाँव में चला करते थे ये सारी चीज़ें। एंड गाइज अब देखते हैं ये क्या चीज़ है, वहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये गाइज ये इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, पॉज करके पढ़ लेना। कुल्लू कुटीर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित मंडी इलाके की इस कुटीर की छत फ्लेट पत्थरों से बनी है। तो गाइज ये कुछ हिंदी में लिखा हुआ है और ये कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, पॉज करके आप पढ़ लेना इसके बारे में। एंड गाइज ये कुछ है फ्लेट पत्थरों से बना हुआ, ये वाला फ्लेट पत्थरों से बना हुआ है। तो
गाइस देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है ये, मैंने वाइड एंगल में कर दिया दिखाने के लिए आपको, क्योंकि ये स्पेस बहुत ज़्यादा था और पीछे स्पेस कम था और ये चौड़ी बहुत ज़्यादा जगह थी। सो कुछ अंदर चल के दिखाते हैं आपको कैसा है ये। जाना अलाउड नहीं है। तो देखो गाइस भैया ने बता रखा है इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो गाइस जैसा आपने देखा गार्ड साहब आ गए थे और उन्होंने इसके अंदर जाने से मना कर दिया, तो इसके अंदर जाना अलाउड नहीं था। सो गाइस ये है गोंड कुटीर मध्य प्रदेश, और इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो इसके पूरी डिटेल के बारे में। सो गाइस ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, ये सारे जितने जो पहले गांव में हुआ करता, जो जैसे सैन से बढ़ते गया वैसे ये फूस के घर खत्म हो गए, तो आप पक्का हो गया, नहीं तो पहले जाना अभी गांव में और में ये ईसाई घर है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो ये कौन सी मिट्टी से बना? ये कच्ची मिट्टी है, ये सिर्फ एक मॉडल है जो पुराना जमाना के जो जिंदा ताजा रखने के लिए, याद के लिए बस वही सो है ये। तो गाइस देखिए जैसे ये पानी रखने के लिए घड़ा घड़े टाइप का है, और तो ये गोबर से लिपे जाते हैं इसमें जो है ना। अच्छा, ये गोबर से मतलब इसको वो करे जाते हैं। अच्छा, मिट्टी और गोबर मिला के लिपे जाते हैं। हाँ, ये देख रहे हो। अच्छा अच्छा, तो ये भैया बता रहे, अच्छा भैया बता रहे जैसे ये गोबर से लिपी जाती है, गोबर और मिट्टी से ये चीज़ लिपी जाती है, देन ये डिज़ाइन बनता है जैसे पुराने ज़माने को। मतलब गाइस देखा जाए पुराने के लोग कितने मतलब आर्टिस्टिक होते थे, मतलब अपनी किन किन चीज़ों से गाइस वो आर्ट बनाते थे अपने घर की डेकोरेशन के लिए। और आजकल के टाइम में गाइस देखो हम छोटे से चीज़ें हम बुलाते हैं और मतलब बाहर से काम करवाते हैं आजकल अपने घरों में, एंड पहले के ज़माने में क्या होता था लोग कितने आर्टिस्टिक होते थे, मतलब अपनी इन्हीं चीज़ों से अपने हाथों से ये सारी चीज़ें बनाते थे। सो गाइस यहाँ पर हमें बैलगाड़ी का एक और सेक्शन दिख गया, देखिए गाइस कितनी मजबूत दो बैलगाड़ियाँ खड़ी हुई है। मतलब आजकल के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये वाली जो बैलगाड़ी है ना वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इसकी बिल्ड क्वालिटी से पता चल रहा है कितनी रफ़ एंड टफ है, और इतनी पुरानी होने के बावजूद भी गाइस क्या बढ़िया तरीके से ये जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर रखी गई हैं और देख सकते हो आप। मतलब गाइस अब ये चीज़ें ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ म्यूज़ियम में रह गई हैं, अब गाँव में जाते हैं तो ये चीज़ें हमें दिखती नहीं है। चलो डेवलपमेंट होने एक अच्छी चीज़ है, बट एक गाँव की पुराना जो रिचुअल था ना वो दिन पे दिन ख़त्म होता जा रहा है। सो गाइस ये है बन्नी कुटीर गुजरात टाइप की बना रही है, एंड बहुत प्यारी है गाइस। उसका दरवाज़ा देखिए कैसे यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, एंड इसके बाहर गाइस एक घड़ा रखा हुआ है। तो गाइस मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, इसको पूरा राउंड में दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। सो गाइस देखिए ये छोटी सी आपको यहाँ पे खिड़की मिल जाती है, देखते हैं गाइस खिड़की के अंदर क्या क्या है इसके अंदर। सो गाइस यहाँ से मैं वॉइस ओवर करना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरा माइक था ना वो मेरे कॉलर से निकल गया था, एंड देन वॉइस बहुत ज़्यादा गंदी आ रही थी, ठीक है। सो गाइस देखिए डिज़ाइन इसका कितना प्यारा है, इस वाली हट का। एंड गाइस मतलब हमारे गांव के लोग भी ना कितने आर्टिस्टिक होते हैं, मतलब कैसा तो उन्होंने डिज़ाइन चुना है, एंड ऊपर गाइस इसकी हल्की सी नॉक भी निकल रही है, एंड कलर भी देखिए गाइस ये कलर भी इन्होंने इसी टाइप का बना रखा है, मतलब जैसे लीपते थे पुराने ज़माने में ना, कलर लीपते थे, ये कोई पेंट ब्रश से नहीं होता था, तो पुराने ज़माने में गांव में लोग आज भी लीपते हैं। एंड देन गाइस इसके आजू बाजू देखिए कितने प्यारी बाउंड्री है, एंड ये बाउंड्री भी पूरी मिट्टी से बनी पड़ी है, एंड ऊपर गाइस देखिए ये भूसे से इन्होंने एक हट टाइप की ट्रायंगल शेप दे रखी है। देन गाइस वहाँ पर एक घड़ा भी पड़ा हुआ है, और ये सबसे ज़्यादा सीक्रेट है हमारे गांव के लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने का। हम दिल्ली के लोग क्या करते हैं, ज़रा सी गर्मी पड़ती है तो हम लोग फ्रिज का पानी पीना शुरू कर देते हैं, और गांव के लोग घड़े का पानी पीते हैं जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है और हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। दैट इज़ द रीज़न कि गाँव के लोगों की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू सिटी पर्सन। सो दिस इज़ द सीक्रेट। एंड गाइज यहाँ पे गाइज ये चीज़ इन्होंने कुछ मंदिर टाइप का बना रखा है, तो अगर गुजरात से मेरा कोई भाई देख रहा है ना तो मुझे बताना गाइज ये क्या है, मंदिर है या क्या है, आपकी गुजराती कल्चरल की कोई चीज़ है। तो गाइज ये हमारी गुजरात की एक और हट आ जाती है जिसका नाम है मेहर हट, और यहाँ पे इसके बारे में पूरी डिटेल है, पॉज करके पढ़ देना। और गाइज ये भी देखिए कितनी अच्छी मिट्टी से बनाई गई हट है, एंड ये भी शायद मिट्टी और गोबर से बनाई गई है, बट ये वाली जो हट है ना ये भी बंद हो रखी है, अगर खुली होती है तो हम आपको अंदर से दिखाते हैं कि क्या है इसके अंदर और कैसे कैसे यहाँ पे फील होता है हट के अंदर जाओ। तो गाइज इस हट के बगल में एक पिलर दिख रहा है जिस पिलर का नाम है विवाह स्तंभ, मतलब मैरिज पिलर। तो गाइज अगर आप गुजरात से वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताना इस पिलर का क्या रोल होता है शादियों में।
ठीक है। सो गाइस आ गई हमारे गांवों की आन बान शान कुआं। तो गाइस जैसे कि गांव के लोग कुएं से पानी भरते हैं और अपने घर में लेके जाते हैं, कुछ इसी तरीके के घड़े मटके वगैरह इसमें पानी स्टोर करते हैं और अपने घर में लेके जाते हैं और बाल्टी कुएं के अंदर डालते हैं, पानी निकालते हैं और इन घड़ों में भरा जाता है, देन लेके जाते हैं। सो अगर आपने भी मेरे भाई ने जो वीडियो देख रहे हो कुएं का पानी पिया है तो कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। और कुएं के पानी का टेस्ट भी अलग ही होता था। सो गाइस अब आ गई है हमारी निकोबार की हट, मतलब निकोबार कुटीर। तो ये कुटीर जो थी, हट जो थी, मुझे इसकी शेप भी अलग लगी और ये कोई डिफरेंट टाइप की मुझे हट लगी। एंड देन जब मैंने इसको नीचे से देखा कुछ इसी तरीके की ये हट थी और मुझे लगा इसके नीचे कुछ भी नहीं है, बस यही है। बट जब मैंने बगल में देखा तो मुझे कुछ सीढ़ियाँ दिखी इसके अंदर एंट्री करने के लिए और ये हट खुली थी। देन मैं ऊपर चला गया देखने के लिए कि इसके अंदर क्या है। तो जब मैंने इसके अंदर एंट्री करी तो कुछ इसी तरीके का मुझे नज़ारा दिखा। एक अमेजिंग ही फील थी सट के अंदर जाने की, मतलब कैसे मैं निकोबार के जो लोग थे वो सट के अंदर सरवाइव करते होंगे। देखो गाइस, और मतलब सच्ची में गाइस घूस बम्स खड़े हो गए थे इसके अंदर जाके। और देखिए गाइस इसका फ्लोर भी कैसा है। एंड देखो जो जो हट खुली थी तो मैंने उसके अंदर एंट्री करी, ठीक है। वो पीछे की हट्स जो थी वो बंद थी तो मैंने उसके अंदर एंट्री नहीं करी। चलते हैं गाइस, अब नीचे से उतरते हैं जहाँ से आए थे ना, अब वहीं से उतरते हैं। रास्ता थोड़ा मुश्किल है लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस। यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो यार, भाई का चला तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करता तुम लोगों के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। अभी तो अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स भी आएंगे देखो। सो गाइस मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ पर था। अभी मैं इसके अंदर गया था अभी और मज़ा आ गया गाइस इसके अंदर जाने में। सो गाइस यहाँ पर अब इस वाली कुटीर के बारे में डिटेल पढ़ते हैं क्या है। तो गाइस ये आसाम की जो है ये आसाम की हट है। देन ये भी बंद हो रही है, आप देख सकते हो गाइस ये बंद हो रही है। और पीछे से मैं इसका व्यू दिखाता हूँ कैसा है, कुछ इस तरीके की ये दिखती है। एंड गाइस यहाँ पर इसकी डिटेल है, एज यूजुअल पॉज करके पढ़ लो। और जहाँ जहाँ ओपन थी मैंने आपको अंदर जाके दिखा दी, जो जो जगह क्लोज है गाइस उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। सो गाइस यहाँ पे कुछ ये हाट बाजार टाइप का मिल जाता है आपको, जैसे गांव में बाजार लगता है ना हाट बाजार। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के हैं स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे नॉर्मल मेलों में होते हैं, सूरजकुंड मेले में आपको दिखाया था, आदि महोत्सव में दिखाया था, उसी टाइप के कुछ स्टॉल लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के। सो यहाँ पे ये बिहार का स्टॉल लगा हुआ है। सो यहाँ पे कुछ पेंटिंग है, चलो भैया से बात करते हैं पेंटिंग से। कौन सी पेंटिंग? हेलो भैया, मधुबनी पेंटिंग मिथिला पेंटिंग है। अच्छा, क्या इसका इतिहास क्या है? इसका सर हम लोग गोदना पेंटिंग बनाते हैं, राजा सलेश का हम लोग का देवता है, इसी पेंटिंग बनाते हैं हम सब परिवार लोग, इसी से गुजर करते हैं, यापन करते हैं। अच्छा, बिहार में कौन सी जगह से हो? जितवारपुर गाँव। जितवारपुर गांव। अच्छा, तो गाइस देखिए ये कुछ इस टाइप की पेंटिंग्स हैं यहाँ पर, और भैया बता रहा जितवारपुर गांव से आए हैं। सो गाइस ये कुछ हिमाचली टोपियाँ यहाँ पे, और ये हिमाचल का स्टॉल है। देखिए कितने रुपए से स्टार्टिंग है भैया? 150 से। और कितना तक जाती है? 650 तक। ठीक है, 150 से स्टार्ट होकर 650 तक जाती है। यहाँ पर इन्होंने कुछ मॉडल्स रख रखे हैं और कुछ मॉडल्स इन्होंने टोपियों के यहाँ पर भी रख रखे हैं, और यहाँ पर शॉल्स वगैरह भी हैं यहाँ पर हिमाचली। और ये सारा गाइस ये हाट बाजार है, एक हाट बाजार टाइप का भी इन्होंने बना रखा है यहाँ पे। सो यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह भी हैं। सो आप आगे यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो, जैसे अगर किसी को हाट बाजार की शॉपिंग में इंटरेस्ट है सो यहाँ से आप ले सकते हो। देखो
और यहाँ पे गाइस ये देखो, सो गाइस ये है कुछ हवेली का दरवाज़ा राजस्थान का। आपको दिखाते हैं कैसा है फ्रंट से। गाइस कुछ इस तरीके का है ये, देखिए मैंने वाइड लेंस लगा दिया है। रजवार कुटीर छत्तीसगढ़, रजवार हट छत्तीसगढ़, कुछ इस तरीके की है और ऊपर काम भी चल रहा है, कुछ इस तरीके की है, दिख जाएगी आपको। भूमि और यहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंस भी है, मतलब जन सुविधा, मतलब वॉशरूम्स वगैरह भी है यहाँ पर। यह है हाथी लकड़ी, ठीक है, एलिफेंट वुड। अब एलिफेंट वुड का मतलब क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। गाइस देखिए ये जो हाथी है ये लकड़ी के बना रखे हैं इन्होंने, दैट द रीज़न इसका नाम इन्होंने एलिफेंट वुड रखा हुआ है। और देखिए कितनी प्यारी प्रतिमा है और बिल्कुल लकड़ी की बनी हुई है, पूरी लकड़ी की बनी हुई है। और देन पीछे वाली भी जो प्रतिमा है वो भी लकड़ी की बनी हुई है। फ़र्क बस ये है कि इसमें ये वाला एलिफेंट आपका बैठा हुआ है, देन उसमें वाला एलिफेंट खड़ा हुआ है, ठीक है। एंड देखिए गाइस, गाइस इस प्रतिमा की हिस्ट्री के बारे में बात करी जाए तो ये रेप्लिका है उड़ीसा के ब्लैक स्टोन एलिफेंट की। जो उसके ओरिजिनल ब्लैक स्टोन में बना हुआ है वो उड़ीसा में, बाकी डिटेल्स आप पॉज करके पढ़ सकते हो। गाइस देखिए ये राजस्थानी चित्रकला है एंड मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल दिखाता हूँ कि क्या है। गाइस ये इसकी डिटेल है, पॉज करके पढ़ लो कि इस चित्र के पीछे की क्या कहानी है। सो गाइस मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी है कि पेड़ों के नीचे ना ये स्टूल टाइप का बना रखा है यहाँ पे पत्थर का, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, कि अगर आप थक गए हो तो यहाँ पे बैठ के आराम करो। सो गाइस फाइनली हमने ये पूरी जगह कवर कर ली है, सो अब कुछ खाने के लिए चलते हैं, कुछ खाएंगे देन आपसे मिलते हैं। और काफ़ी अच्छी जगह है गाइस, आ सकते हो आप। पहले यहाँ पे इंडियंस के लिए जो थी 20 रुपीज़ टिकट थी, बट अब फ्री हो चुकी है। तो गाइस आओ ना, लाभ उठाओ गाइस इन चीज़ों का। देखिए गाइस कितनी प्यारी प्यारी जगह है हमारी दिल्ली के अंदर घूमने के लिए, और दिल्ली के अंदर ही गाइस अब पूरा गांव का भी फील कर सकते हो। चलते हैं गाइस, अब अच्छी लगे वीडियो तो गाइस लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो गाइस देखिए इतना प्यार मिलता है भाइयों से मिलके। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है।